Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing fine. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आज मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूँगा मेरे केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के बारे में. इससे पहले आप लोगों को मैंने मेरे बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है वो भी मैं अपने यूट्यूब वीडियो पर डालूँगा. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था. थर्ड अटेम्प्ट में मेरे 612 स्कोर आ रहा है विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 14,164, विच विल गिव मी ए गुड कॉलेज इन वेस्ट बंगाल नियर कलकत्ता. ओके, तो मैंने खुद ने केमिस्ट्री में 148 स्कोर किया इस बार. आई थिंक आप लोगों को लग रहा होगा कि 148 तो एवरेज स्कोर है. हाँ, आई एग्री कि 148 एक एवरेज स्कोर है, लेकिन मैं कहाँ से 148 लाया ये ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि अगर आप मेरा जो प्रीवियस जो अटेम्प्ट था उस अटेम्प्ट में केमिस्ट्री का स्कोर सुनोगे तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा. सिर्फ 70 आउट ऑफ 180 मुझे सिर्फ 70 मिला था. और उससे पहले मेरा जब बोर्ड एग्ज़ाम था तो उस बोर्ड एग्ज़ाम का स्टोरी अगर आप सुनोगे तो मतलब काफ़ी सिंपल स्टोरी है कि मैं जब बोर्ड एग्ज़ाम पास किया तो रिटेन एग्ज़ाम हमारे यहाँ पे 70 का होते थे, तो 70 में मुझे सिर्फ 35 मिला था. आप समझ सकते हैं कि 50% मार्क्स मिला था 12th में मुझे केमिस्ट्री के रिटेन में, और बाकी वो जो प्रैक्टिकल्स होते थे उसमें मार्क्स मिला के टोटल 64% आए थे केमिस्ट्री में. तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री में मेरा कितना बुरा हाल था. बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलब ऐसा बुरा हाल कि आप सोच नहीं सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि 12th जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम दिया तो मुझे इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से डर लगता था. अगर कोई मुझसे पूछ ले कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन, उनका सिर्फ डेफिनेशन ही अगर आप पूछ लो तो होश उठ जाएगा, मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, मैं बता नहीं पाता था. तो इतना बुरा हालत था मेरा केमिस्ट्री में. और ऑर्गेनिक तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे इतना कुछ रिएक्शन याद रखूं. मुझे लगता था कि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि सब कुछ ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन में वो होता है, ऐसे रटना पड़ता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप अगर GOC को अच्छे से समझ जाओ, मेकानिज़म को अच्छे से समझ जाओ, तो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रटने वाले चीज़ नहीं होते. हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनको रटने वाले होते हैं. तो ये मैंने बैक स्टोरी आपको बता दिया कि मैं बहुत ही ख़राब मेरा हालत था केमिस्ट्री में. वहाँ से मैंने एक एवरेज स्कोर भी अगर जो 148 जो स्कोर किया तो ये भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोर है. और आई थिंक हाँ, मैं 150 प्लस तो स्कोर कर ही पाता था, लेकिन चलो अब तो उसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो मैं अपने केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. तो केमिस्ट्री के लिए मैं पहले जो किया था वो है NCERT. तो आप लोगों को तो पता ही है कि NCERT का 11th और 12th का पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के जो चार किताब होते हैं तो वो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबको पता होते हैं. और इसमें आपको कुछ चीज़ों में सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप NCERT जब पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक का NCERT तो आपको एकदम बायो के NCERT की तरह ही पढ़ना है, मतलब लाइन बाय लाइन, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट सारे जो हिडन पॉइंट्स है, कुछ भी चीज़ें हैं NCERT में दिया हुआ है वो आपको याद रखने हैं इनऑर्गेनिक के लिए. और ऑर्गेनिक में तो अभी रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बहुत बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वही NCERT का नेम रिएक्शन या फिर NCERT बैक एक्सरसाइज में या फिर NCERT जो इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को पता होगा, तो वही इंटेक्स क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या करो कि जो इनऑर्गेनिक है उसके लिए तो पूरा NCERT एकदम बायोलॉजी की तरह सेम स्ट्रैटेजी, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, फैक्ट शीट बनाओ. कोई अगर जो एक्सेप्शनल अगर ट्रेंड है तो उस एक्सेप्शनल ट्रेंड को आप बार बार रिवाइज करके याद रखो. आप चाहे तो कुछ स्टिकी नोट्स बना लो जो कि अपने जो जिस स्टडी टेबल पर बैठते हो उसके दीवार पर स्टिक कर दो और उसको बार बार रिवाइज करो. यही सिर्फ आप कर सकते हो. इसके अलावा जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है तो वो आपका फिजिक्स की तरह मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो वो कॉन्सेप्ट भी जो भी जगह है तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि NCERT सिर्फ पढ़ लिया हो गया काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. तो उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने तो आप लोगों को पता है कि सारे ही मेरा जो पढ़ाई है इस बार तो मैंने यूट्यूब से ही किया है. और मैंने पिछले साल जहाँ पे कोचिंग लेता था, लोकल कोचिंग है, लेकिन वहाँ पे भी फिज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी बुरा तरीके से सिखाया गया था. मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री तो बहुत ही ख़राब हालत में था.
तो मैंने तो YouTube वीडियोस प्रेफर किया। आप जिस भी कोचिंग में जाते हो उस कोचिंग के टीचर के जो नोट्स है उसको प्रेफर कर सकते हो, और उस नोट्स के साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऐसे बहुत सारे जो चैप्टर है उसमें कोई जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ जो होते हैं, तो उससे फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी पता है, आप फार्मूला से आप सवाल में अप्लाई कर पा रहे हो अगर फार्मूला से, तो आपका काम चल जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जो बाकी के कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर है उनमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बहुत सारे चीज़ें होते हैं कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड में यूज़ होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे जो भी चीज़ें होते हैं, तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होना चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल में अप्लाई कर पाओगे। इसमें आप रट के काम नहीं चला सकते। इसके बाद तो मैं अगर इसमें समराइज़ करूँ तो इनऑर्गेनिक के लिए आप एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप कुछ 180 में 180 स्कोर करने की सोच रहे हो तब आप रेफ़र कर सकते हो, लेकिन तब भी आई डोंट थिंक कि इनऑर्गेनिक के लिए ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो जो भी आता है एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन आता नहीं है इनऑर्गेनिक के लिए। इसके बाद अगर जो मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए कह रहा था, तो आप इसमें क्या एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी पूरा केमिस्ट्री को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जो कि आपको अपने कोचिंग के मॉड्यूल या फिर कोचिंग जो नोट्स आप अगर खुद ने प्रिपेयर किया है, या फिर किसी भी अगर आप जो किताब जो स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये हो जाएगा। इसमें कोई आपका प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगा। थोड़ा आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसके अलावा आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक बता दिया, और ऑर्गेनिक के लिए जो चीज़ है वो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। और क्लास ट्वेल्थ जो एनसीईआरटी है, क्लास ट्वेल्थ का जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी से ही आ रहा है। इलेवेंथ का भी अभी तो आ रहा है, लेकिन इलेवेंथ में जो जीओसी नोमेनक्लेचर वगैरह पार्ट है, नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी आप चाहे तो एकदम इजी लेवल नोमेनक्लेचर कर लो, नोमेनक्लेचर ज़्यादा टफ नहीं देता, वो आप बना लोगे, वो बाईसाइक्लोस, पाइरो, जो डिफरेंट तरीके के जो टफ जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो आप एक बार पढ़ लो बस, उससे क्वेश्चन तो अभी नहीं बनते जनरली। तो इसके अलावा आप जो जीओसी पार्ट है उसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, या फिर जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये जो डिफरेंट जो इफेक्ट्स होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ आपका जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसको आप कर सकते हो, जो कि है आपका केमिकल बॉन्डिंग। आप लोगों को पता है कि केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये भी आपको पता है कि ये कॉन्सेप्चुअल है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसको अच्छे से कर लेना। और हाँ, पीरियोडिक टेबल जो है उसमें भी वो कॉन्सेप्चुअल है, उसमें हालांकि आपको जनरल ट्रेंड ही पता चलते हैं, उसमें आपको एक्सेप्शन जनरली पता नहीं चलते, लेकिन वो भी ज़रूरत है, वो जनरल ट्रेंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का, और केमिकल बॉन्डिंग, और आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये जो तीनों कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे आपका इनऑर्गेनिक का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे ही मैंने आपको ऑर्गेनिक के लिए भी बोल दिया है कि ऑर्गेनिक के लिए जीओसी को और जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, तो फिर आपका ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, और अल्टीमेटली आपका जो है प्रैक्टिस ही मैटर करता है। आपको एक चीज़ करना है कि फिज़िकल केमिस्ट्री, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत लोग बोलते भी है इसको कि फिज़िक्स की तरह है, तो अगर फिज़िक्स की तरह है तो फिज़िक्स की तरह उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से उसमें परफेक्शन लाना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज़ करते रहो, और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड, हाँ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के लिए तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड करने हैं, तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते रहो,
और अल्टीमेटली ऑर्गेनिक के लिए भी डिफरेंट जो कॉन्वर्सन जो होते हैं कि इस चीज़ से उस चीज़ पे डायरेक्ट कैसे जा सकते हो, ऐसे जो बहुत तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, इंटेक्स क्वेश्चन कर लो, बस खत्म। और ऐसे ऐसे अगर आप पूरा कर डालो तो आपको नीट केमिस्ट्री में 140 प्लस तो आसानी से आ जाएगा, एकदम आप लिख के ले लो कि 140 प्लस तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिलीजियसली फॉलो करो और मैंने जैसा वो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम प्रेशर में कुछ मिस्टेक जो किया वैसा अगर आप ना करो तो आपका 160 प्लस भी आ सकता है। इसके साथ एक ऐड ऑन आप लिख सकते हो कि ऐड ऑन आप कह सकते हो वो है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो मस्ट है। फिजिकल का आप छोड़ सकते हो क्योंकि फिजिकल का वो हमें कुछ थियोरेटिकल अप्रोच में दिया हुआ है, फिजिकल आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक का है और ऑर्गेनिक का है उस वो आपका मस्ट है। और आपका प्रीवियस ईयर्स तो मस्ट है, वो तो सबको पता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के साथ वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ उससे छापे गए हैं, एकदम बिना किसी ऑप्शन चेंज किए ही उठाया गया है। और कुछ एनसीईआरटी का जो इनऑर्गेनिक है उसमें इनटेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज जो होते हैं तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा एज इट इज़ उठाया गया है, हाँ उसमें कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में उठाया गया है। तो ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपका केमिस्ट्री ज़रूर इम्प्रूव होगा। और अगर आपका केमिस्ट्री में मॉक टेस्ट में भी स्कोर नहीं बन रहा है तो आप इस जो स्ट्रैटेजी मैंने बोला तो इस स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली सब लोगों का स्ट्रैटेजी है, केमिस्ट्री सब लोग ऐसे ही करते हैं। आप हाँ अगर आप अच्छे से इसको फॉलो कर पाओ तो आप एक टॉपर बन पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो आप मेरे तरह एवरेज आप एक सिलेक्शन ले लोगे जो कि MBBS के लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी बहुत ही अभी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा। तो अगर आपको ये फॉलो करके कुछ बेनिफिट हो रहा है, मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव हो रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक हम रोकेंगे, इसके अगले वीडियो में मैं मेरा जो फिजिक्स का स्ट्रेटजी है वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने जो दोस्त जो कि नीट एस्पिरेंट है तो उनके साथ शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।